कमिंग टू द क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एक क्यूबिकल ब्लॉक है इसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर वो सरमाउंटेड किससे है, हेमिस्फीयर से। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, लार्जेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कितना रख सकता है। उसके बाद पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मीन्स हमें इस सॉलिड का जो सॉलिड हमें दिया हुआ है क्यूब के शेप में इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो क्या है, साइड, ये क्यूबिकल ब्लॉक का साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सपोज साइड ए ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखें डायग्राम में, ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये जो 7 सेंटीमीटर है इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर माउंट किया गया है वो कितना सेंटीमीटर का डायमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड है वो इक्विवेलेंट हो रहा है हेमिस्फीयर के डायमीटर से, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर, तो यहाँ से आपका रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज द फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया अगर इस क्यूबिकल ब्लॉक का, सिर्फ ये क्यूबिकल ब्लॉक का मालूम करना है, इंटरनल सरफेस एरिया नहीं कह रहा है, होल टोटल इंटरनल सरफेस एरिया, अगर टोटल इंटरनल सरफेस एरिया कहता तो हेमिस्फीयर का भी आता और सॉलिड ब्लॉक का भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ब्लॉक। तो अब सरफेस एरिया अगर हम लोग इसका देखें सॉलिड ब्लॉक के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जैसा कि हमें पता है क्या होता है 6 × L², उसको अगर हम लोग सम कर लेंगे सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक, और डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों के सम का किसके साथ, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का कर्व सरफेस एरिया मीन 6 × side² साइड हमने लिया था ए, इसे लिख दिया 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा आपका 2πr² और इन दोनों का जो सम होगा उससे हम डिफरेंस किसका निकालेंगे, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या फॉर्म कर रहा है, एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल जो कि πr², दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², ये हो गया आपका πr². फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 6 × a² ए की वैल्यू कितनी है 7² प्लस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r² रेडियस जो है 3.5 यहाँ लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 6 × 49 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 अगर 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 तो दिस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा आपका, ये जो पैरामीटर से इसको अगर हम फर्दर पूरा एट ए टाइम कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे एट ए टाइम तो कितना आ जाएगा 332.5 square centimeter, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, मीन्स इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो सरफेस एरिया आया आपका वो कितना आया 332.5 square centimeter।